हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शाही अंदाज में। आज मैंने अपने बगीचे से कच्चे पपीते की हार्वेस्टिंग की है, तो आज मैं आपके लिए कच्चे पपीते की रेसिपी लेकर आई हूँ, हरा भरा कच्चा पपीते का हलवा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा हरा भरा कच्चे पपीते का हलवा। सबसे पहले हमने आधा किलो कच्चा पपीता लिया था, जिसको हमने साफ करके अच्छे से छील कर कद्दूकस कर पहले से ही रख लिया था। उसके बाद हमें चाहिए काजू, अखरोट, चिरौंजी, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मावा, देसी घी, चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते तो ज़्यादा चीनी डालें। और हरी इलायची 4 से 5 दाने। सबसे पहले हम अपने ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे घी। हम अपने ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का रोस्ट करने के लिए पैन में डालेंगे। अब हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने मीडियम फ्लेम ऑन की है और हमने अपना पैन रख लिया है। हम इसमें 4 से बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें कच्चा पपीता डालेंगे। अब हम अपने पपीतों को अच्छे से हल्का हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। हम अपने पपीते को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें, हमारा पपीता अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब हम इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। हम अपने ड्राई फ्रूट्स को बारीक बारीक काट लेंगे। हमारा पपीता अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें हल्की चीनी डालेंगे। हमने चीनी को अच्छे से मिला लिया है और साथ में ही हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हम इसमें मावा डालेंगे। मावा हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा लिक्विड फूड कलर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप बिना कलर के भी बना सकती हैं। हम कलर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इसमें एक अच्छा सा सुंदर सा कलर आ जाएगा, क्रीम कलर। सबसे लास्ट में हम अपने थोड़े किशमिश डालेंगे, थोड़ी किशमिश डालेंगे, थोड़ी चिरौंजी डालेंगे, थोड़ा पिस्ता, थोड़ा बादाम, थोड़ा काजू, बाकी गार्निशिंग के बाद। अब हम अपने हलवे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा हरा भरा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। हमने इसको गार्निशिंग कर लिया है। हरा भरा कच्चे पपीते का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। मेरे घर में मेरे बच्चे कच्चे पपीते का हलवा बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। एक बार आप भी पपीते का हलवा बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हरा भरा कच्चे पपीते के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मुझे एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं शाही अंदाज में ही रेसिपी के साथ।